कोंडागांव जिले के केसकाल विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी दावेदार और समर्थकों ने फरस गांव रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की और भाजपा प्रत्याशी चयन को लेकर विरोध जताया। बीते कुछ दिनों पूर्व केसकाल विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान हजारों की संख्या में पूर्व कलेक्टर नीलकंठ एकाम ने भाजपा में प्रवेश किया और अपनी दावेदारी पेश की गई। उसके पश्चात ही केसकाल विधानसभा के भाजपा विधायक पद के दावेदारों और उनके समर्थकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और रायपुर पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से मुलाकात की। उसके पश्चात से केसकाल विधानसभा में भाजपा की गुटबाजी दिखने लगी और अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन करते आ रहे थे। नहीं, कोई किसी का विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकती, भारतीय जनता पार्टी का एक ही निशान होता है अभी सबके लिए, प्रत्याशी कमल निशान, कमल छल। और जिस दिन प्रत्याशी घोषित हो जाएगा, किसी कोई नाराजगी नहीं है। चुनाव जब एक परिवार है, परिवार बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं कुछ बातें होती हैं। उनके मन में भी कुछ बात थी, आज मुझे बुलाया गया था, उनकी बातें मैंने सुना, उनको आश्वासन दिया किसी का कोई नुकसान नहीं होगा और सब एक हैं। ऐसा मार्केट में अफवाह फैलाया जा रहा है कि कोंडागांव केसकाल विधानसभा में दो गुट हो गए हैं, तीन गुट हो गए हैं, संगठन के लोगों के बीच आपसी तालमेल नहीं है, ऐसा कुछ भी विषय नहीं है। कुछ कुछ छोटे छोटे विषय थे, आज उसे मैंने इनके साथ बैठकर इनकी समस्याओं को सुना और कुछ बातें क्लियर हो गई है। और जिस दिन भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित हो, चाहे वो कोई भी, हम सबके बीच से होगा, भारतीय जनता पार्टी के परिवार का होगा और सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे और प्रत्याशी को जिता करके लाएंगे। पूर्व विधायक कहने का अब मेरा ऐसा सुनने में नहीं आया, सेवक नेताम जी ने क्या कहा, लेकिन सेवक नेताम जी ऐसा नहीं कहेंगे, वरिष्ठ है, पूर्व विधायक है। और जिसको भी भारतीय जनता पार्टी, अभी उनको भी नहीं मालूम प्रत्याशी को, हो सकता है प्रत्याशी सेवक नेताम जी हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जिस दिन भी घोषित होगा, ठीक है, सबके मन में होता है, मैं भी अगर उस दौड़ में होता तो मुझे भी लगता है, लेकिन सब वो बातें दूर कर ली गई है। और जिसको भी टिकट मिले, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, पार्टी जिसको दे, हमने सबका नाम लिख के भेजा और सब चुनाव लड़ने के लायक हैं, जितने भी हैं सब जीतने के लायक हैं। भारतीय जनता पार्टी एक छोटे कार्यकर्ता को भी देगी तो चुनाव जिता के लाएगी, सब कार्यकर्ता मेहनत करेंगे। और जिस दिन भी प्रत्याशी घोषित होगा, मैं आपके बीच फिर से सब आएंगे और सब मिलके काम करेंगे। हम किसी का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ अपना दावा प्रस्तुत किए हैं केसकाल विधानसभा के लिए, हम लोग चाह रहे हैं कि केसकाल विधानसभा के किसी भी जो दावेदार हैं उन्हीं को टिकट मिले और हम सब एक होकर काम करेंगे और बाहरी प्रत्याशी को हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम केसकाल विधानसभा में 10 साल होने जा रहा है और 10 साल से इस क्षेत्र के लिए हर, चाहे वो पोलिंग बूथ में हो, चाहे शक्ति केंद्र में हो, हम लोग काम कर रहे हैं और जो काम किया है उसी को किसी को भी मिले, हम लोग कोई ऐतराज़ नहीं, चाहे संगठन 12 हैं, 15 हैं, 16 हैं, जो भी हों, उनके लिए सर्वे करवाए और उन्हीं को मिले। और इस बात को हम लोग रायपुर में जाके सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को भी अवगत करवाए हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव को भी अवगत करवाए हैं और संगठन को भी अवगत करवाए हैं। आज भी हम लोग अपने बातों पे कायम हैं, इसलिए कायम हैं क्योंकि हमारा जो अधिकार है इस केसकाल विधानसभा का, इस स्थानीय प्रत्याशी हूँ, ये किसका विरोध कर रहे हैं, हम किसी का नहीं कर रहे हैं, प्रत्याशी जो नहीं, हाँ, बाहरी प्रत्याशी कहने का मतलब पार्टी उसको टिकट देती है तो पार्टी के लिए किस प्रकार से काम करेंगे आप? भाई हम लोगों का ये है भाई, जो मेहनत करता है, किया है, और ये यहाँ का हमारा अधिकार है भाई, है ना, अपना दमदारी के साथ जितने भी हमारे 12, 13, 15 जो दावेदार है ना, वो कंटिन्यू हम लोग इस बात को सब जगह पे रखेंगे और इंतजार है, और हमें ये इंतजार है कि कोई ना कोई संगठन हमारे केसकाल विधानसभा के, चाहे कोई भी प्रत्याशी के लिए विचार करेगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है।